हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरी किचन 0365 में आपका स्वागत है। मैं रीमा। सो फ्रेंड्स, आज मैं रेसिपी नहीं बनाने वाली हूँ। आज की रेसिपी बनाने वाली है चंदा। चंदा जो छोटे भाई की वाइफ है, तो ये रेसिपी उन्हीं की है। तो चलिए मिलते हैं उनसे। तो चलिए देखते हैं आज की ये जो बिरयानी है उसकी रेसिपी चंदा बताने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चंदा, ये कितना चिकन है? ये 2 किलो चिकन है और मैं इसको 2 बार पानी से धो लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा चिकन धुल के तैयार हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक बाउल में गरम मसाला ली हूँ। उसमें बड़ी इलायची और छोटी इलायची है, गोल मिर्च है और जीरा है और लौंग है। मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ले लिया है। मैं इसको मिक्सी में पीसने जा रही हूँ। इसको मैं सूखा ही पीसूँगी, दरदरा सा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा मसाला जो है पीसकर तैयार कर ली हूँ और दरदरा सा ही है। मेरा गरम मसाला पीस चुकी हूँ और मैं इसको बाउल में डालूँगी। जैसे कि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने जा रही हूँ और अदरक को छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी ताकि मेरा मसाला अच्छे मेरा पेस्ट अच्छे से बन जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है और मैं इसे एक छोटी सी बाउल में इसको निकाल लूँगी। चंदा, पानी कितना है इसमें? इसमें 5-6 लीटर पानी है और मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ और मैं इसमें गरम मसाला डालने जा रही हूँ। लौंग है, दालचीनी है और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जीरा है और सब मैं इसमें डालूँगी। इसमें 3 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ और इसको थोड़ी देर पकने दूंगी। मसाला नमक मैंने अच्छे से डाल लिया है और मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। और इधर मेरा पानी बॉयल हो रहा है, होने के लिए तब तक छोड़ दूंगी और मैं इधर अपना चिकन तलने के लिए तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैं एक बड़ा सा पैन चढ़ा दी थी और उसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ और उसमें तड़का के लिए लाल मिर्च और तेजपत्ता डाल रही हूँ। जैसे कि मेरा तेल गर्म हो गया है और मैं 1/2 किलो प्याज को बारीक काट लिया था और इसको फ्राई करने जा रही हूँ।
और प्याज मेरी फ्राई हो रही है और मेरा पानी अच्छे से बॉयल हो गया है, उबाल आने लगा है। ये मेरा चावल है और मैं इसको आधे घंटे पहले धुल कर रख चुकी थी भिगोकर। अब ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बासमती चावल नहीं है, ये मेरे घर का ही चावल है और इससे मैं बिरयानी बनाऊंगी। और मैं इसको नीचे से अच्छे से चला लेती हूँ ताकि ये पकड़े ना, और इसको थोड़ी देर पकने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। और मेरी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मैं प्याज को अलग से निकाल लूँगी थोड़ा सा, उसको बिरयानी के चावल में ऊपर से डालने के लिए। और जितना मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने प्याज निकाल लिया है और मैं इसमें 2 किलो चिकन जो धुल के रखी थी उसको इसमें डालूँगी। अब इसको मैं अच्छे से चलाकर ढक दूंगी। अब मैं इसको चेक करके देखती हूँ कि ये मेरा चावल पक के तैयार है या नहीं। मेरा चावल लगभग पक चुका है। मेरा चावल 70% पका था और मैं इसको अब छान निकाल दूंगी, यानी इस पानी से अलग कर दूंगी। जैसे कि मैं सारा चावल पानी से छानकर अलग कर चुकी हूँ और इसको मैं ठंडा होने के लिए बगल में रख दूँगी। मेरे चिकन आधे पक चुके हैं और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको मैं अच्छे से चलाकर थोड़ी देर तक पकाऊँगी। अब मैं इसको चलाकर ढक के छोड़ दूंगी। ये मेरे मसाले हैं और मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ।
मेरा चिकन अच्छे से पक चुका है। चंदा, ये मसालों में क्या क्या है? इसमें मैंने खड़े गरम मसाले लिए हैं, और इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच हल्दी। ये मेरा बिरयानी मसाला है। 2 किलो मटन के हिसाब से मैं इसमें बिरयानी मसाले डाल रही हूँ, और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी, और मिलाने के बाद थोड़ी देर इसको मैं पकाऊँगी। इसमें मैं एक कटोरी पानी डाला है ताकि ये मेरा मसाला जो है अच्छे से पक जाए, और मैं इसको अच्छे से चलाकर ढक दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा मटन लगभग बन चुका है, और मेरे पास दही नहीं थी, उसके बदले में मैं उसमें नींबू निचोड़ रही हूँ। 1 नींबू कट करके मैं उसमें निचोड़ रही हूँ ताकि इसमें खट्टापन आए। और फिर मैं इसको थोड़ी देर तक और पकाऊंगी। मेरा चिकन पूरा बनके तैयार हो गया है, और मैं इसमें से थोड़ा सा ग्रेवी निकाल रही हूँ, और इसको निकाल कर एक बाउल में रख दूँगी ताकि मैं चावल के ऊपर फिर इसको डालूँगी। चिकन मेरा बनके तैयार हो गया है, और मैं अब इसके ऊपर चावल डालने जा रही हूँ। मैं इसमें आधा ही चावल डालूँगी। अब इसके ऊपर मैं जो मेरा प्याज था तला हुआ उसको मैं ऊपर से डालूंगी, और हरी धनिया कटी हुई थी इसको थोड़ा सा डालूंगी। और फिर जो चावल बचा हुआ था उसको मैं ऊपर से पूरा डाल दूंगी।
मेरा चावल पूरा मैंने डाल दिया। मैं फिर से उसके ऊपर प्याज फिर से डाल रही हूँ और कटे धनिया फिर डालूँगी और एक नींबू भी कट करके उसमें डालूँगी। और जो मैं ग्रेवी निकाली थी इसको भी ऊपर से मैं डालूंगी। और केवड़ा वाटर में मैं फूड कलर मिलाऊंगी और इसको ऊपर से डालूंगी ताकि मेरी बिरयानी अच्छी दिखे। अब मैं इसको दम देने के लिए थोड़ी देर दम देने के लिए एक कॉटन का कपड़ा लिया है जो मुलायम है, सॉफ्ट है, उसको रख के मैं ऊपर से ढक्कन रख के उसको अच्छे से बंद करके थोड़ी देर तक दम दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। और 5-10 मिनट के बीच में आप ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं, हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। मेरी बिरयानी पक के पूरी तैयार हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी। कि आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी बनके तैयार है, कितनी अच्छी दिख रही है और खाने में भी उतना ही अच्छा है। सो फ्रेंड्स, ये 8 से 10 लोगों की बिरयानी चंदा ने बनाई है। सो फ्रेंड्स, ये चंदा की रेसिपी थी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो का अपडेट मिलती रहे। तो आलोक, बिरयानी कैसी बनी है?